सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे हो गए। सो गाइस यार, आज हम वापस से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। एंड गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ टॉप 10 एपिक मॉड्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड गाइस, ये सारे मॉड नाम से ही नहीं काम से भी एपिक होने वाले हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। सबके इतने इतने सब्सक्राइबर है, बस मेरे इतने कम सब्सक्राइबर है। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। कोई तरीका है भीख मांगने का? गाइस, नंबर 10 पे जो मैंने मॉड को रखा, उस वाले मॉड का नाम है घोस्ट मॉड। एंड गाइस, जैसे घोस्ट के पास पावर्स होती है किसी भी चीज के थ्रू, वो आर पार हो सकता है। सेम टू सेम आपको भी इसमें वैसे पावर्स मिलने वाली। आप लोग किसी भी ब्लॉक्स वगैरह के थ्रू आर पार हो सकते हो। एंड गाइस, इससे आप लोग अपने फ्रेंड्स को ट्रोल वगैरह भी कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर डर्ट लगाया हुआ था, लेकिन गाइस डर्ट के आर पार भी हो सकते हो। और गाइस, इसके अंदर अगर लावा है तो उसमें जल के मर भी सकते हो। सो गाइस, आपको घोस्ट ब्लॉक बनाने के लिए आपको चाहिए होगा सोल टेबल। सोल टेबल कैसे बनाना, उसका रेसिपी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। जिस वाले ब्लॉक को भी आपको घोस्ट ब्लॉक बनाना है, बस आपको सोल टेबल में उसको रख देना, वो घोस्ट ब्लॉक बन सकता है। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर मैंने दो वॉल खड़ा किया हुआ है। एंड गाइस, देख सकते हो एक वॉल जो है वो नॉर्मल ब्लॉक का है, एक वॉल है घोस्ट ब्लॉक का, जिसमें मैं पार हो सकता हूँ, आर पार हो सकता हूँ उसमें, जो कि काफी ज्यादा सही रहता है। इसके हेल्प से आप लोग यार ट्रोल कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को। एंड गाइस, खुद के लिए भी बेस बना सकते हो, सीक्रेट बेस। इस वाले मोड को यूज करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले ऑन कर लेना होगा। तो गाइस डाउनलोड कर लेना, उसके बाद इंपोर्ट कर लेना, एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले ऑन करके एंजॉय करना। काफी ज्यादा सही मोड है ये। सो गाइस, इस वाले गेम में मैंने आपको कई सारे मोड दिए हैं, जैसे कि मैंने आपको कार मोड दिया है, हेलीकॉप्टर मोड दिया है, यहाँ तक गाइस मैंने ट्रेन मोड भी दिया है, लेकिन गाइस अभी तक मैंने आपको बाइक मोड नहीं दिया है। सो गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए नंबर 9 पे जो मोड है वो होने वाला है बाइक मोड। गाइस, इस वाले मोड में आपको 3D बाइक्स मिलने वाले हैं, जिसके अलग अलग कलर्स होने वाले हैं, जैसे कि देख ही सकते हो। एंड गाइस, अगर रात में आप लोग इन वाले बाइक को चलाओगे तो इनका जो हेडलाइट रहता है वो ग्लो करता है, जो कि काफी ज्यादा सही लगता है। और इसका हैंडलिंग वगैरह देखो तो काफी ज्यादा सही, इसका जो एनिमेशन है बैठने का प्लेयर का वो भी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। और गाइस, इसको जब चलाओगे थर्ड पर्सन में तो यार क्या ही मजा आपको आ जाएगा, एकदम मस्त। आप लोग ड्रिफ्ट वगैरह मार सकते हो, वो अलग बात है, आप लोग GTA जैसा बिल्ली वगैरह नहीं मार सकते इसमें, लेकिन गाइस काफी ज्यादा मजा आएगा आपको इसको चलाने में। इसका स्पीड वगैरह भी देख सकते हो, काफी ज्यादा सही है। सो गाइस, आप इस वाले बाइक मोड को डाउनलोड करने वालों को नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप चलते हैं अपने 8th मोड पे। वेल गाइस, नंबर 8 पे जो मैं आपको मोड देने वाला हूं, उस वाले मोड का नाम है बेबी मोड। और गाइस, ये मोड सबको लगभग पता ही होगा, इसमें आपको अलग अलग टाइप्स के प्रिविलेज मिलते रहते हैं। जैसे कि अगर आप लोग स्टार्टिंग में वुडन का कोई भी सॉर्ड वगैरह या कुछ भी बनाओगे तो वो गाइस इंचेंटेड हो जाता है। और गाइस, अगर रात में कोई भी हॉस्टाइल मॉब अगर आपके सामने आ गया या आप उसके सामने गलती से चले गए तो वो गाइस ऑटोमेटिकली मर जाता है। जैसा कि देख सकते हो स्केलेटन मर गया। एंड गाइस, अगर आप लोग कहीं पर गलती से अगर गिर गए फायर में, मतलब गाइस लावा वगैरह में गिर गए, तो आपको यहाँ पर फायर रेजिस्टेंस मिल जाता है, मतलब आपको यहाँ पर कुछ भी डैमेज नहीं लगने वाला है। और गाइस, यही नहीं, अगर इस वाले मोड में अगर आप लोग स्टोन वगैरह माइन करोगे तो गाइस स्टोन से आपको स्टोन नहीं यहाँ पर मिलने वाला, उसके जगह ओपी आइटम्स मिलने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हो नेदरराइट इंगट मेरे को मिल गया। और गाइस, अगर आप लोग इसका चीट्स एक्टिवेट चीट्स ऑन करके खेलोगे तो ये सब फंक्शन अगर टाइप करोगे तो गाइस आपको कुछ कुछ चीजें मिलने वाली, जैसा कि देख सकते हो ब्लेज रोड मेरे को मिल गया। और गाइस, अगर आपको विदर या एंडर ड्रैगन को मारना है तो उसके लिए भी इसमें एक कमांड है, जो कि आप लोग कमांड टाइप करके इजीली इसको मार सकते हो। गाइस, जैसा कि देख ही सकते हो इसने मेरे पे अटैक किया, लेकिन फिर भी मेरा यहाँ पर ज्यादा हेल्थ वगैरह गया नहीं। अगर गाइस नॉर्मली आप लोग खेलोगे तो आप लोग एक हिट में उसके मर जाने वाले हो, लेकिन अगर इस वाले मोड में खेलोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, बस आपको ये वाला कमांड को टाइप कर देना। एंड गाइस, आप जैसा कि देखोगे यहाँ पर विदर मर जाता है, जो कि काफी ज्यादा इजी है इसको मारना इस वाले मोड में। अगर गाइस आप लोगों को ज्यादा अगर टफ लगता है माइनक्राफ्ट खेलने में तो ये वाला मोड लगा खेल सकते हो, काफी ज्यादा सही मॉड है ये। ट्रिगर्ड इंसान लोग भी ये वाला मॉड खेल चुके हैं। सो गाइस, क्या आप भी जब अपने डायमंड्स वगैरह का सॉर्ड वगैरह टूल्स वगैरह बनाते हो नेदरराइट का, तो गाइस आप उसको चेस्ट में रख देते हो, जो कि दिखता भी नहीं, आप ऐसे मेरे जैसा रख सकते हो। इसके लिए आपको एक मॉड डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है प्लेस क्राफ्ट मोड। इस वाले मोड में आपको एक ऐसा वाला चीज मिल जाएगा जिसपे आप लोग कोई भी अपने सॉर्ड वगैरह या टूल्स वगैरह को रख सकते हो। एंड गाइस, दो स्टिक मिलेगा, एक रहता है रोटेशन के लिए एंड एक रहता है मैजिकल वेंट्स, जिससे आप लोग इसका जो पोजीशन रहता है वो चेंज कर सकते हो। सबसे बेस्ट तो मेरे को ये फ्लोटिंग वाला लगता है, काफी ज्यादा ऑसम लगता है देखने में। अगर गाइस, अगर आप लोग नॉर्मल जो फ्लोट करता है वैसा वाला से अगर इसको कंपेयर करो तो गाइस आप देख सकते हो ये जो मॉड वाला वो काफी ज्यादा बेटर लग रहा है देखने में। गाइस, अगर इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्राफ्टिंग टेबल ओपन करोगे तो यहाँ पर राइट साइड में आपको ऊपर में एक ऑरेंज टाइप का कुछ दिखेगा, वो वाला पर टैप करोगे तो यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन इसका लिखा हुआ रहता है। गाइस, अगर आपको ये तीनों चीज सर्वाइवल में चाहिए तो आपको ये वाला कमांड टाइप करना पड़ेगा, आपको तीनों का कमांड यहाँ पर दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में। गाइस, बाइक मोड तो हमने इंस्टॉल कर लिया, अब इस बाइक से घूमने का बारी है। जैसे कि हम लोग अगर बाइक से कहीं घूमने जाएंगे तो गाइस हमारे पास टेंट वगैरह होना तो चाहिए ना, इसलिए गाइस ये वाला मोड आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें आपको टेंट मिलने वाला है, स्लीपिंग बैग मिलने वाला है, स्लीपिंग बैग में यार आप लोग ऐसे बैठ सकते हो, जो कि काफी ज्यादा सही लगता है टेंट के अंदर आपको इसको बिछा के। एंड गाइस, आपको इसमें ये वुड मिलने वाला है जिसपे आप लोग बैठ के मस्त कैंप फायर का मजा ले सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर कैंप फायर भी आपको मिल जाएगा, जो कि ऐसा जलते रहता है तो काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगता है देखने में। एंड गाइस, काफी ज्यादा ये बेस्ट मोड मेरे को लगा। और गाइस, इसमें आपको एक लैंप भी मिलने वाला है, जैसा कि देख सकते हो लैंप भी यहाँ पर जल रहा है थोड़ा थोड़ा, काफी ज्यादा सही लगता है ये भी। गाइस, बस इसमें आपको एक ही टेंट नहीं, अगर गाइस आप लोग इन्वेंटरी में जाओगे तो आपको और भी यहाँ पर टेंट्स वगैरह देखने
को मिल जाएंगे जो कि आप लोग स्पॉन करके टेंट का मजा ले सकते हो। इस वाले मोड को यूज करना भी काफी ज्यादा इजी है, बस आपको टेंट ले लेना है, उसके अंदर आपको स्लीपिंग बैग को रख देना है, देन आप उसके अंदर जा पाओगे। और गाइस कैंप फायर जलाने के लिए आपको फ्लिंट एंड स्टील चाहिए होगा, फ्लिंट एंड स्टील से फायर जला देना, उसके ऊपर कैंप फायर को रख देना, तो गाइस कैंप फायर जलने लगता है। और गाइस ये वाला लैंप को जलाने के लिए बस आपको लैंप को प्लेस कर देना है, देन गाइस आपको एक टॉर्च चाहिए होगा, टॉर्च को आपको यहाँ पर ऐसे कुछ रखना होगा, तो गाइस ये लैंप भी जलने लगता है। और गाइस इस वाले वुड पर बैठने के लिए बस आपको इस पर प्लेस कर देना है, देन गाइस यहाँ पर सीट का ऑप्शन आता है, आप इस पर बैठ पाओगे। सो गाइस आप ये वाला मोड को ट्राई करने वाले को नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वेल गाइस नंबर 5 पे जो मोड है उस वाले मोड का नाम है टूल बेल्ट प्लस बैकपैक्स मोड। इसमें हम लोगों को टूल बेल्ट मिल जाता है एंड गाइस बैकपैक्स मिल जाता है, क्योंकि गाइस हम लोग यहाँ पर कैंपिंग पे आए तो गाइस बैकपैक्स की तो यार बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए गाइस ये वाला मोड आप लोग यूज कर सकते हो। इस वाले मोड में गाइस आपको इतने सारे बैकपैक्स मिल जाएंगे एंड गाइस एक आपको टूल बेल्ट मिल जाएगा। और बैकपैक्स गाइस दो टाइप के रहते हैं, एक गाइस स्मॉल वाला रहता है एंड गाइस एक रहता है लार्ज वाला। टूल बॉक्स को पहनने के लिए बस गाइस आपको इसको अपने हाथ में लेना है एंड गाइस स्क्रीन पे होल्ड करना है। तीनों चीज में गाइस आपको अलग अलग स्लॉट्स मिल जाएंगे, जैसा कि अगर आप टूल बॉक्स देखो तो टूल बॉक्स में आपको 5 स्लॉट्स मिल जाने वाला है एंड गाइस जो स्मॉल वाला बैकपैक है उसमें आपको 27 स्लॉट्स मिलेंगे एंड गाइस जो लार्ज वाला उसमें आपको मिलने वाला है 57 स्लॉट्स। इस वाले मोड का आपका यूज सर्वाइवल में भी काफी अच्छा से होने वाला है, सो गाइस आप इसको ट्राई करने वाले को नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गाइस काफी लोग बोल रहे थे कि उनको माइनक्राफ्ट में चाहिए कोई मैजिक मोड, सो गाइस मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए मैजिक ब्रूम स्टिक मोड, मतलब जादुई झाड़ू। और गाइस जिसमें आपको मिलने वाले अलग अलग टाइप्स के जादुई झाड़ू जिसमें अलग अलग पावर्स रहती है, जैसा कि देख सकते हो मैंने यहाँ पर सारे को स्पॉन कर दिया है एंड गाइस आप इस पे बैठ के उड़ सकते हो। और गाइस जिसमें आपको मिलने वाला एक आइटम्स जिससे आप लोग इसको डेकोरेट कर सकते हो, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर डेकोरेट का ऑप्शन आ रहा है और गाइस ये ऑटोमेटिकली डेकोरेट हो रहा है। इसमें फ्लाई करना है तो गाइस यहाँ पर फ्लाई का ऑप्शन आता है, उस पर टैप करोगे तो आप इस पर फ्लाई कर पाओगे, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर ये उड़ने लगा। एंड गाइस इसमें आपको जो क्लोथ्स मिलने वाला है ना वो भी काफी ज्यादा बेस्ट लगता है, देख सकते हो मैजिकल क्लोथ्स है, काफी ज्यादा सही लग रहा है देखने में। सो गाइस मेरे सब्सक्राइबर में जो बेंटन के फैंस है वो लोग खुश हो जाओ, क्योंकि अगला मोड होने वाला बेंटनिसन मोड। और गाइस इसमें हम लोगों को मिलने वाला है दो दो ओमनीट्रिक्स, एक तो जो क्लासिक वाला रहता है वो एंड गाइस एक जो एलियन फोर्स वाला ओमनीट्रिक्स रहता है वो। बस इसको लेने के लिए आपको इस पे टैप करना है, सो गाइस ये आपके हाथ में आ जाएगा। इसमें को यूज करना भी काफी ज्यादा इजी रहता है, बस आपको क्राउच करना है, देन गाइस क्राउच से हट जाना है, फिर आप लोग स्क्रीन पे टैप करोगे तो यहां पर एलियन सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। सो गाइस आप लोग एलियन सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी एलियन में आपको कन्वर्ट होना है। सो गाइस मेरे को यहां पर एक्सेलरेट बनना है, सो गाइस बस क्राउच होकर क्राउच से हटोगे तो एक्सेलरेट बन जाओगे एंड गाइस जो भी एलियंस में आप लोग कन्वर्ट होगे उस वाले एलियंस का आपको पावर्स भी मिलने वाला है, जैसा कि देख सकते हो यहां पर मेरे को फास्ट चलने का पावर मिल गया। एंड गाइस अगर आपको ये वाला ओमनीट्रिक्स को उतार के वो वाला ओमनीट्रिक्स पहनना है, सो गाइस बस क्राउच होना है एंड गाइस होल्ड करना है स्क्रीन पे तो ये वाला ओमनीट्रिक्स उतर जाता है। फिर गाइस आपको जब ओमनीट्रिक्स पहनना है सो गाइस उसको हाथ में लेके बस आप होल्ड करोगे तो आपके हाथ में वो चला जाएगा, मतलब जो एलियन फोर्स वाला ओमनीट्रिक्स है वो आ जाएगा। एंड इसको भी यूज करना सेम टू सेम वही प्रोसेस है, क्राउच होकर क्राउच से हटना, फिर गाइस आप लोग टैप करते रहना तो एलियन यहां पर चेंज होता रहता है, जो भी एलियन में कन्वर्ट होना है क्राउच होकर फिर से क्राउच से हटना तो उस वाले एलियन में कन्वर्ट हो जाओगे। देख सकते हो मैं यहाँ पर ब्रेमस्टोन बन गया, उनके ब्रेमस्टोन उड़ भी सकता है और गाइस उसका जो पावर रहता है वो लाइटनिंग छोड़ने का रहता है। सो गाइस यहाँ पर जो लाइटनिंग का पावर है उस पर टैप करोगे तो ये अपना पावर दिखाता है, देख सकते हो कितना ज्यादा पावरफुल ये एलियन है। सो गाइस आप इस वाले मोड को जरूर यूज करना, जो बेंटन फैंस है उनको तो यार काफी ज्यादा पसंद आएगा, काफी ज्यादा एलियंस में आप लोग कन्वर्ट हो सकते हो एंड सारे एलियंस का आपको पावर भी मिल जाएगा। इन गाइस अगर आप लोग अभी तक इस वाले वीडियो को देख रहे हो उसका मतलब आपको यार ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो गाइस प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस नंबर 2 पे जो मैंने मोड को रखा हुआ उस वाले मोड का नाम है मॉर्फ मोड या शेप शिफ्टर मोड भी आप इसको बोल सकते हो। इसमें आप लोग कोई भी मॉब में कन्वर्ट हो सकते हो। अगर गाइस सर्वाइवल में आपको ये वाला मोड को यूज करना है तो गाइस जो जो मॉब को आप लोग मारोगे बस वही मॉब में कन्वर्ट हो पाओगे, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर शिप है, जैसे ही मैं इसको मारूंगा सो गाइस इसमें मैं कन्वर्ट होने का मेरे को पावर मिल जाएगा। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसको मार दिया। अब गाइस अगर इसमें मेरे को कन्वर्ट होना है तो गाइस यहाँ पर क्राउच होकर जंप वाले बटन पर टैप करना है तो गाइस मॉर्फ मेन्यू ऑन हो जाएगा। फिर गाइस स्क्रीन पर टैप करोगे तो यहाँ पर मॉर्फ मेन्यू में शो होने लगेगा कि शिप में आप लोग कन्वर्ट हो सकते हो, शिप में टैप कर दोगे तो गाइस यहाँ पर उसमें कन्वर्ट हो जाओगे एंड गाइस जो भी मॉब में कन्वर्ट होगा उस वाले मॉब को आपको पावर भी मिल जाने वाला है। एंड गाइस अगर आप क्रिएटिव में इसको यूज करना चाहते हो तो गाइस सारे मॉब में आप लोग कन्वर्ट हो सकते हो, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर मैं क्रीपर में कन्वर्ट हो चुका हूँ एंड गाइस मैं यहाँ पर क्रीपर में कन्वर्ट हुआ तो मेरे को क्रीपर का भी पावर मिल जाएगा, बस स्क्रीन पे होल्ड करोगे तो क्रीपर जैसा यहाँ पर आप लोग फट जाओगे। सो गाइस नंबर 1 पे जो मोड है उस वाले मोड का नाम है पिक्सल मोन मोड। और गाइस जो जो पोकेमोन फैंस है उनके लिए ये मोड है, देख ही सकते हो आपको इसमें 3D पोकेमोन देखने को मिल जाएंगे एंड गाइस उसके साथ साथ आपको बहुत सारे आर्मर्स, बहुत सारे क्लोथ्स और गाइस पोकेबॉल्स जो रहता है वो भी देखने को मिल जाएगा। सो गाइस आप देख ही सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ कुछ पोकेमोन्स को स्पॉन कर दिया एंड गाइस इसका जो टेक्सचर है वो पूरा 3D टाइप में यहाँ पर देखने को लगता है। यहाँ पर मैंने पिकाचू को भी स्पॉन कर दिया था। सो गाइस इसका मैं पोकेमोन का जो बैटल रहता है वो तो नहीं दिखा सकता क्योंकि यार वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, ये आप लोग डाउनलोड करके खुद से खेलना काफी ज्यादा अच्छा है। इस मोड के बारे में अगर गाइस आपको और भी जानना है तो गाइस आप लोग जहाँ से इसको डाउनलोड करेगा वहां से जाकर पढ़ सकते हो, सारा चीज लिखा हुआ है कि कैसे इसमें मॉब बैटल वगैरह कराना है, कैसे यूज करना है। सो ओके गाइस ये थे आज के टॉप 10 मोड्स और गाइस आपको पता ही है कहां से आपको डाउनलोड करना है, सो गाइस जाकर डाउनलोड कर लेना और गाइस बताना आपको कैसा लगा। तो हां गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना और गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब
सब्सक्राइब भी कर ही देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। मैं मिलता हूँ गाइस जब से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।